किसी को साइकिल, किसी को स्कूल बैग और किसी को खिलौना। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है बच्चों को स्कूल की ओर खींचने की। गुजरात में पिछले सालों में कन्या केलवनी और शाला प्रवेशोत्सव के जरिए गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश चल रही है। इसका मकसद प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। इसी अभियान के तहत नरेंद्र मोदी गांधीनगर के दहगाम तालुका पहुंचे। सरकार के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए गांव में जाते हैं, गरीब के घर तक जाते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके बच्चों को शिक्षा दें, इसलिए प्रयास करते हैं। राज्य सरकार का दावा है कि पिछले करीब एक दशक में पहली से पांचवी क्लास तक ड्रॉपआउट रेशियो 17.83% से गिरकर महज 2.4% रह गया है। चालू साल में राज्य के 35,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल 1.25 लाख से ज्यादा विद्या सहायकों की भी भर्ती की गई है। साथ ही पहली कक्षा में लड़कियों को स्कूल में दाखिले के साथ ही सरकार की ओर से 1,000 रुपए का बॉन्ड भी दिया जाएगा। भले ही पिछले दशकों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की शिक्षा की क्रांति की तुलनात्मक झांकी पेश करने की सफलतापूर्वक कोशिश की हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी यही है कि हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत बातों से शुरुआत करनी होगी। कैमरा पर्सन शेर खान के साथ अमीश शर्मा, गांधीनगर, जानो दुनिया।